भास्कर, फटकी हुई गेंद थी, सीधे हाथों से खेल दिया। एसटीसी परेड ग्राउंड पर ये मैचेस खेले जा रहे हैं। हम आपको बता दें, जो दर्शक हमारे इस बात को जानने के लिए व्यग्र होते हैं कि ये मैचेस कहाँ आयोजित हो रहे हैं, जो विजुअल्स देखते हैं वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी गर्ल्स अंडरस्कोर क्रिकेट अंडरस्कोर स्टार और बॉयज़ अंडरस्कोर क्रिकेट अंडरस्कोर स्टार पर, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टैलेंट चैनल के उस स्थान पर जहाँ से ये वीडियोज़ आसानी से देखी जा सकती हैं। भास्कर, अच्छी गेंद और उतना ही बढ़िया पंच सचिन के बल्ले के द्वारा। तो मैं आपको बता रहा था कि स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी का ये ग्राउंड एसटीसीए परेड ग्राउंड, जहां पर ये मैचेस खेले जा रहे हैं। अभी इस समय लीग मैचेस की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस दौरान जो रेस्ट ऑफ टाइम है उस दौरान क्लब के बीच ही सीरीज़ के मैचेस, और आपको एक बात और देख करके आश्चर्य होगी, इस बीच पॉइंट की दिशा, पॉइंट और गली के बीच से 4 रन, कोई मौका नहीं साकार और भावना के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें विमेंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो ये कुल मिलाकर के खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए खेले जाने वाली ये सीरीज़, जिसमें महिला खिलाड़ी जो कि प्रिपेयर हो रही हैं, अपने आप को तैयार कर रही हैं। हम आपको बता दें कि तनु केसरवानी हैं, जो आपको अभी आप ऑफिस में गेंदबाजी करती हुई दिखाई दी थी, ये अंडर 23 के लिए कम्पीट करती हैं और UPCA के अंडर 16 और 19 प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुकी हैं। और साथ ही साथ कंचन यादव, आपको बता दें, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये भी 23 का ट्रायल्स दे रही हैं और लगातार ये खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाते हुए। इस बीच बाहर निकलती गेंद को छेड़खानी करना चाहा था, लेकिन बॉल और बैट के बीच दस्तक नहीं हो सकी और अंपायर ने वाइट बॉल का इशारा किया। विकेट के पीछे 10 स्थानों पर हैं सुमित केसरवानी। अगर एज ग्रुप की बात करें तो इसमें छोटे से बड़े बच्चे तक खेलते हैं, 2-4 छोटे बच्चे ऐसे हैं जो कि टैलेंटेड हैं, उनको भी खिलाया जाता है, जो 10, 11 साल, 12 साल के हैं। अनुज केसरवानी, सद्भाव यादव और भावना, ये सभी 9-10 साल के हैं बच्चे। लेकिन लगातार हम आपको बता दें कि अनुज प्रताप सिंह और भावना सिंह दोनों भाई बहन हैं और अलग अलग टीम में रहते हैं, और दोनों लगभग 4-5 विकेट गुच्छे में विकेट लेना पसंद करते हैं। और उस वही हालात हैं सद्भाव के, बाएं हाथ के वाम हस्त स्पिनर। इस बीच भास्कर हंसे ओवर द विकेट, फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, उतना ही करारा शॉट, लेकिन सीधे उद्गार के पास, कोई रन नहीं। सचिन आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, अभी पिछले मैच में 65 रनों की पारी खेली थी कल के ही मैच में, और देखना है आज अपनी टीम को किस तरीके से शुरुआत दिलाते हैं। अनुराग यादव जो दूसरे एंड पर मौजूद हैं, उन्होंने भी कल 55 रनों की पारी खेली थी। भास्कर, पटकी हुई गेंद थी, टेस्ट करना चाहा था, गेंद पुल किया, 1 रन मिलेगा।